रोहिणी किचन यमी फूड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। खमन ढोकला की रेसिपी मैं आज बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने इसे बनाया है। चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं और आपको बताती हूँ मैंने कैसे इसे बनाया है। एक कप मैंने दही लिया है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही नॉर्मल है, ना ज़्यादा खट्टा है ना ज़्यादा मीठा है। नॉर्मल दही मैंने लिया है, इसे अच्छे से फेंट के मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। वैसे मैं 10 मिनट ढक के इसे एक्टिवेट होने के लिए रख दूँगी। अब मैं जिस बर्तन में ढोकला बनाना है उस टिन को मैं ग्रीस करके रख दूँगी। तब तक ये दही खमीर उठ रहा है, तब तक ये टिन को रेडी करके साइड में रख देंगे। देखिए अच्छे से बबल्स आ चुके हैं, अच्छा सा ये झाग छोड़ चुका है दही। अब इसी बैटर में हम लोग सब बनाएंगे। देखिए मैंने 2 कप लिया है बेसन, बारीक बेसन, 1 कप दही में मैंने 2 कप बेसन ऐड किया है। इसे हल्के हाथों से अच्छा सा मिक्स कर रहा है। उसके बाद उसी कप में मैंने थोड़ा सा और पानी लिया था, जिस कप से हम लोग ने दही लिया है उसी कप से पानी लेके जितने पानी ज़रूरत है उसी हिसाब से इसे मिक्स कर रही हूँ। बिल्कुल लम्स ना रहे इस हिसाब से आपको हल्के हाथों से अच्छा सा मिक्स कर देना है पूरे बैटर को। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये ढोकला की रेसिपी बना रही हूँ। अब मैंने नमक डाला है, स्वाद के अनुसार से नमक मैंने इसमें ऐड किया है। अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें। गरम मसाला आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं 1 टेबलस्पून के करीब इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे। अब मैं 2 टेबलस्पून के करीब इनो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इनो पैकेट मैंने पहले से यूज़ कर लिया था इसलिए 2 टेबलस्पून के करीब होगा ये इनो। अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, इनो भी एक्टिवेट हो जाएगा थोड़ी देर में, तो इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इनो मिक्स करके तुरंत इस बैटर को डाल देना है पकने के लिए, नहीं तो ये बैठ जाएगा। कोई किसी भी चीज़ में अगर इनो आप ऐड करते हैं तो तुरंत इसे, या केक या इडली किसी भी अगर आप इनो ऐड कर रहे हैं तो इसे तुरंत इसे बेक करने के लिए बनाने के लिए रख देना, नहीं तो ये बिल्कुल बैठ जाएगा और स्पॉन्जी बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए अब मैं इस टिन में पूरा बैटर को डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा टैप कर देंगे इसे अच्छे से। अब देखिए एक बर्तन मैंने पहले से रेडी करके रखा था जिसमें पानी बॉईल हो रहा है, उस पर ढोकला को रख के अच्छे से ढक देना है। मैं 25 मिनट के बाद ही इसे मैं खोल के देखूंगी कि ये पका है कि नहीं। अगर नहीं पका है तो फिर से इसे 5-10 मिनट के लिए मैं स्टीम में रखूंगी। अब मैं एक तरफ तड़का तैयार कर रही हूँ जिसमें मैंने राई डाला है, बारीक राई। ढोकला वाला राई अलग से मिलता है, आप चाहे तो नॉर्मल राई भी डाल सकते हैं। और हरी मिर्च डाला है मैंने, थोड़ा सा मैंने तेल डाला है और करी पत्ता। बस अब मैंने इसे अच्छा सा भून लिया है, उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। मैंने 1/2 कप के करीब पानी ऐड किया है, तो मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड किया है। चीनी भी आप स्किप कर सकते हैं, अगर आपको मीठा नहीं चाहिए तो आप चीनी को स्किप कर सकते हैं। अब इस पानी को अच्छे से बॉईल करेंगे। ये तड़का हम लोग ढोकले में डालेंगे, ढोकले को पानी पिलाना बोलते हैं, तो यही मेथड है। देखिए ढोकला हो चुका है, 25 मिनट में अच्छे से हो चुका था, तो मैं इसे निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर दी हूँ। अब ढोकले को तड़का दे रही हूँ, पूरा पानी के साथ देना है, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा ढोकला। अब मैं हल्का हल्का कट लगा दूंगी ताकि अच्छे से ये पानी पूरा अच्छे से सूख सके। इसे सब अपने हिसाब से कट कर सकते हैं।
और जितना थोड़ा सा तड़का बचा तो उसे मैं ऊपर से और ऐड कर रही हूँ। बस ये खमन ढोकला हो चुका है, इसे मैं थोड़ी 10-15 मिनट रेस्ट करके इसे मैं सर्विंग प्लेट में निकाल दूँगी। बहुत आराम से निकालना होता है क्योंकि बहुत स्पॉन्जी बनता है। हल्के हाथों से इसे मैं निकाल के इसे 10-15 मिनट के बाद इसे सर्व करूँगी। देखिए पूरा अच्छे सोख कर लिया है पानी पूरा, तो इसे मैं सर्व कर रही हूँ। मैंने लाल चटनी और ग्रीन चटनी से इसे सर्व किया है। आप चाहे तो आपके हिसाब से आपको जो पसंद हो उस हिसाब से उस चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्द से बनने वाली ये ढोकला की रेसिपी, खमन ढोकला। इस रेसिपी को ट्राई करके देखिएगा, आप लोग को पाकर ही अच्छा लगेगा। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी नारियल से। इसे टेस्ट और अच्छा लगता है। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नारियल नहीं ना पसंद हो तो आप चाहे तो स्किप कर दीजिए। बस ये रेडी है खमन ढोकला की रेसिपी। आप चाहे तो इसे और अगर आप चाहे तो धनिया पत्ती और आपको जो पसंद हो उस हिसाब से आप इसे गार्निश कर सकते हैं। मैंने सिंपल तरीके से किया है जैसे हमारे यहाँ चलता है। वैसे तोड़ के दिखा रही हूँ, देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, बिल्कुल बारीक बारीक जाली आई है। इस रेसिपी को इसी मेथड से आप लोग ट्राई करिएगा। मेज़रमेंट ऐसे ही रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी इस ढोकले में कम ज़्यादा होता है मेज़रमेंट तो फिर ढोकला अच्छे से फूलता नहीं है। चलिए अगली नेक्स्ट रेसिपी से करते हैं।